अच्छा बाहर की जिंदगी में भी अगर प्रियंका से कहा जाए कि 25 लाख और अंकित गुप्ता से एक को चुनिए तो 110% वो अंकित गुप्ता को चुनेगी। तो दैट इज अ रियल पर्सनैलिटी व्हिच इज रियली शॉक मी। अंकित जैसा भी था ही वॉज रियल। अर्चना तुम्हारी बाहर इज्जत की धज्जियां उड़ नहीं रही है, उड़ चुकी है। मैंने 100 लोगों से पूछा है कि डू यू सी अर्चना एज अ विनर, उन्होंने सबने कहा है कि अर्चना इज अ जोकर। तो हर कोई आकर अब्दू से अपना फायदा उठाना चाहता है उस घर के अंदर। निर्मित ने अब्दू के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है कि अब्दू उससे रूड हो जाए। आई फील अब्दू शिव एंड एमसी स्टैंड, ये जो तिगड़ी है, दिस इज द ट्रू बॉन्ड ऑफ बिग बॉस। क्योंकि इन तीनों को ना जीतने से फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती से ज्यादा फर्क पड़ता है। जी विशाल, हाउ आर यू? वेरी गुड। हैप्पी न्यू ईयर टू यू विजय, हैप्पी न्यू ईयर टू everybody who's watching us live. May God bless you with all the happiness in the coming year and may all rock 2023 together. Yes, बहुत ही ज्यादा खुशी है कि नया साल अच्छे नोट पे सबके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से नया साल शुरू हुआ होगा। अभी कमिंग बैक टू द जॉब, जो हमारा हर सोमवार काम होता है कि बिग बॉस 16, इस बार एक हफ्ता हमारा गैप हो गया, लेकिन हम आपने जो 15 दिनों में देखा है विशाल, हमें बताइए कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए 15 दिन में बहुत कुछ हो गया है। बिग बॉस एक ऐसे मोड पर है जहां पर अब ना खिचड़ी पक चुकी है, अब खिचड़ी पक चुकी है, परोसने के लिए तैयार है। बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे आने वाले हफ्ते। तो 4 हफ्ते बचे हैं, एक्चुअली 5 हफ्ते बचे हैं बिग बॉस के खेल के, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत सारी सच्चाइयां सामने आएंगी, बहुत सारे चेहरों से नकाब उठेंगे। लोग अब रियल खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो रियल सेल्फ अपने आप बाहर आ जाएगा। शुरू करते हैं अंकित गुप्ता के एविक्शन से। मुझे लगता है कि हर साल बिग बॉस में ये एक प्रथा रही है, हर साल एक ऐसे कॉन्टेस्टेंट को या दो ऐसे कॉन्टेस्टेंट को निकाला जाता है जहां पर ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं होता। एंड दैट हर्ट्स बिकॉज बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इट्स अ शो जहां पर अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग क्षेत्र से, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सेलिब्रिटीज, मोस्टली टेलीविजन एंड फिल्म सेलिब्रिटीज, बट यू ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो बिग बॉस के अंदर आते हैं। वो अपना खेल खेलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं और फिर ऑडियंस को कहा जाता है कि वो डिसाइड करें कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। पर हर साल ऐसा होता है कि बिग बॉस सडनली किसी को निकाल देते हैं और फिर पता नहीं चलता अंदर के लोगों को कि ऑडियंस के लिए खेले या अंदर के लोगों के लिए खेले। क्योंकि अगर आप ऑडियंस के लिए खेलते हो तो अंदर के लोग आपको बाहर निकाल देते हैं, अगर आप अंदर के लिए लोगों के लिए खेलते हो फिर आपको चापलूस माना जाता है, दोगला माना जाता है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इनसाइड। जैसे हर साल ये हुआ है प्रियंक, बहुत लोगों ने कहा और इनमेट्स ने ये कहा कि प्रियंका ने 25 लाख रुपए दे दिए अंकित को बचाने के लिए। भाई किसके 25 लाख रुपए दे दिए, किसके पास थे वो 25 लाख रुपए? वो 25 लाख रुपए प्राइस मनी के किसी के नहीं थे, वो बिग बॉस के थे। तो बेसिकली अगर प्रियंका ने 25 लाख रुपए दाव पर लगाए हैं तो वो बिग बॉस के लगाए हैं। तो बाकी लोग क्यों बोलते हैं, बाकी लोग क्यों उस पर गुस्सा होते हैं, बाकी लोग को क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा बाहर की जिंदगी में भी अगर प्रियंका से कहा जाए कि 25 लाख और अंकित गुप्ता से एक को चुनिए तो 110% वो अंकित गुप्ता को चुनेगी। तो दैट इज अ रियल पर्सनैलिटी। मेरे को तो बिल्कुल भी शक नहीं था, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था जब ये कहा गया। इट वॉज बहुत ही फुद्दू चॉइस चूजिंग बिटवीन अंकित गुप्ता एंड चूजिंग बिटवीन 25 लाख। प्रियंका वुड ऑलवेज चूज अंकित गुप्ता। तो मुझे पता नहीं कि अंदर के लोग इतने बेवकूफ है जो इस बात को नहीं समझ रहे या फिर जस्ट मुद्दा बनाने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद अंकित गुप्ता का एविक्शन, जैसे ही घर वालों को चॉइस दिया गया एनी डे अंकित गुप्ता ही बाहर जाएगा। और ये सालों साल होता आया, हितेन तेजवानी के टाइम पर मुझे याद है आई वॉज वॉचिंग द शो और मुझे लगा कि यार हितेन घर वालों को चॉइस दिया जाए तो दे विल रिमूव कॉम्पिटिशन, अंकित गुप्ता को निकाला गया। पिछले साल मेरे साथ उमर के साथ भी ऐसा ही हुआ दैट वी वर नॉट वोटेड आउट बाय द टेलीविजन ऑडियंस बिकॉज ये टेलीविजन शो है। अगर टेलीविजन ऑडियंस वोट आउट नहीं करती और आप बाहर जाते हो तो बहुत दुख होता है। तो मेरे साथ हुआ है, उमर के साथ हुआ है, तो वही तो ये हर साल होता है। अभिनव के साथ हुआ, हितेन के साथ हुआ, उमर के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है,
एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर एंड इट इज वेरी अनफेयर. ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली शॉक्ड मी. अंकित जैसा भी था ही वॉज रियल. मैंने बहुत बार कहा है कि अंकित गुप्ता को अगर गेम नहीं खेलना आता, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो उसे बाहर जाना चाहिए. और ये अभी भी मैं कहता हूँ, अंकित, मैं अंकित को कभी विनर के रूप में नहीं देखता. तो इट इज नॉट दैट आई फील अंकित इज अ विनर और उसे बाहर निकाला गया. नहीं, प्रियंका और अंकित में हमेशा प्रियंका इज स्ट्रॉन्गर. बट फिर लेट द ऑडियंस डिसाइड इफ दे वांट टू हैव अ कॉन्टेस्टेंट इनसाइड द हाउस और नो. ये ऑडियंस का शो है, आप ऑडियंस के लिए शो बनाते हो. टीआरपी आपकी ऑडियंस से आती है, लेकिन जब कॉन्टेस्टेंट को बाहर निकालना होता है तो ऑडियंस की एक नहीं मानते, फिर ऑडियंस आपका शो क्यों देखे. सो आई वॉज अगेन वेरी हर्ट लाइक एवरी ईयर. उसके बाद इस वीक अगर कोई उभर कर खिलाड़ी आया है तो वो एमसी स्टैन है. एमसी स्टैन आहिस्ते 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 अब खिल रहा है. एमसी स्टैन अब एमसी ये एमसी स्टैन अगर पहले वीक में एमसी स्टैन होता तो किसी का उसको हराना नामुमकिन होता. द वे ही इज प्लेइंग नाउ, एमसी स्टैन पहला प्लेयर है जो साजिद के अगेंस्ट गया, जिसने साजिद को बोला अगर आपको अर्चना इतने अच्छे लगते है ना तो जाके बैठो ना उसके साथ सीएमडी. तो एमसी स्टैन पहले प्लेयर है जो अर्चना के खिलाफ बोले, जो साजिद को बोले कि अगर तुम दो तरफ से क्यों खेल रहे हो यार, तुम या हमारी तरफ रहो या उनकी तरफ रहो. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. ये निमृत को भी करना चाहिए था, ये अब्दू भी कर रहा है और ये शिव को भी करना चाहिए जो शिव आने वाले हफ्तों में करेगा. तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है. और साजिद खान के खिलाफ जब भी कोई जाता है ना तो साजिद खान अफेक्ट हो जाते हैं. मतलब सब उनकी सुने, दोनों तरफ से वो खेले, कोई उनको नॉमिनेट ना करे, वो एंड तक सेफ रहे, ये उनकी उनकी राजनीति है, ये उनका खेल है. तो साजिद खान जो असली साजिद खान जब नॉमिनेट होते तभी बाहर आ जाते, तभी वो दूसरों के माँ बाप भी जाते, तभी वो बोलते हैं कि मेरा फोन क्या उखाड़ेगा मैं देख लेता हूँ. वो असली साजिद खान है. तो अगर असली साजिद खान को सामने लाना है तो उन्हें प्रेशर में डालो, उन्हें नॉमिनेट करो और फिर देखो कैसे साजिद खान असली साजिद खान का रियल साइड ऑफ बात आ रहा है. एक और बात मुझे जो बहुत ज्यादा खटकी, मैंने बिग बॉस के इतिहास में बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो जो बुरे होते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो जिनका कंट्रोल नहीं होता. डॉली बिंद्रा बिलो द बेल्ट खेलते हैं, जैसे डॉली बिंद्रा थी, प्रियंका जग्गा थी, टॉमी ओम थे. पर इस सीजन में एक ऐसी खिलाड़ी है जो ना ही बिलो द बेल्ट जाती है, जो आपके परिवार के बिलो द बेल्ट भी जाती है. तो जब अर्चना गौतम विकास को बोलती है कि तू कभी बाप नहीं बन सकता, और उस बात पर बोलती है जब विकास ने उनके साथ एक बात शेयर की कि मेरे वाइफ का मिस कैरेज हुआ है, तो भाई तुम विकास को नहीं बोल रही हो, तुम किसी और औरत को बोल रही हो, या फिर तुम किसी और को बोलती हो कि तू तेरी बीवी होगी 2 करोड़ की, तब तुम उस कॉन्टेस्टेंट को नहीं बोल रही हो, फिर किसी औरत को बोल रही हो. तब जब एक औरत ही किसी औरत को इतना नीचा दिखाएगी, तो दैट इज नॉट हिटिंग बिलो द बेल्ट, दैट इज गेटिंग पर्सनल एंड देन गेटिंग पर्सनली बिलो द बेल्ट टू समबडी, एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. उससे ज्यादा मुझे जो बात खटकी है, द वे स्पेशल ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन टू अर्चना. क्यों उसे सबके सामने सलमान सर ने ये बात नहीं बताई? क्यों अर्चना को अकेले में बला बताकर स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई? अर्चना तुम्हारी बाहर इज्जत की धज्जियां उड़ नहीं रही है, उड़ चुकी है, ये सबके सामने बोल दो. जब बाकी सबको तुम सबके सामने बोलते हो तो अर्चना के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ये बट आपको नहीं लगता विशाल, ये बहुत पहले से हो रहा है. जब ऑडियंस के वीडियोस भी प्रियंका के लिए दिखाए गए थे जिसमें ऑडियंस ने लिटरली उनको डोमिनेटिंग और क्या कुछ नहीं कहा था, ये पहले से ही होता आ रहा है. लेकिन अब इस बार प्रियंका, इस बार अर्चना को ज्यादा ही कर गई. आई मीन तुम घर के अंदर कॉन्टेस्टेंट के सामने कुछ भी बोलो, कुछ भी बुरा बोलो, जो बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट सालों से किया है लोगों ने, जिनका नाम मैंने लिया, लेकिन तुम किसी के परिवार के बारे में इतना बुरा बोलो, ये बहुत ज्यादा बुरा है. नोबडी कैन टेक इट. जो हाँ, शालीन थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करता है, इस बार भी कर गया, लेकिन दैट स्टिल डजंट जस्टिफाई जो अर्चना ने कहा. और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है तो सबके सामने उसे डांटना चाहिए था, ताकि सबको, अगर विकास के सामने अर्चना को बोला जाता तो विकास के दिल को तसल्ली मिलती, अगर शालीन के सामने बोला जाता कि अर्चना तुम इतना बुरा बोलती हो, तुम लोगों की नजरों में बाहर गिर चुकी हो, तो शालीन को भी बेटर फील होता. तो इट इज नॉट ओनली अर्चना को ही समझाना जरूरी नहीं है, बाकी सबको भी बताना जरूरी है कि अर्चना गलत है और हम उसकी गलती गिना रहे हैं जो नहीं किया.
पता नहीं ये स्पेशल ट्रीटमेंट या बिग बॉस कंटेंट के डर से कि ओ अर्चना चुप हो जाएगी, बाकी लोगों के सामने कुछ नहीं बोलेगी, कंटेंट नहीं देगी, क्या अर्चना ये शो चला रही है, क्या अर्चना ही है? मुझे नहीं लगता। मतलब मैं अगर किसी से पूछूं, मैंने 100 लोगों से पूछा है कि डू यू सी अर्चना एज अ विनर, उन्होंने सबने कहा है कि अर्चना इज अ जोकर। तो विनर और जोकर में हमेशा फर्क है। अगर ऐसा ही होता तो इमाम सिद्दीकी और डॉली बिंद्रा विनर होते अपने अपने साल में। अर्चना विनर नहीं है, वो हफ्ते भरने के लिए खेल रही है, वो एंड तक ये अर्चना भी जानती है कि वो विनर नहीं है। अर्चना हफ्ते भरने के लिए खेल रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए खेल रही है, और इसलिए वो गंद मचा रही है, क्योंकि गंद के अलावा अर्चना के पास कुछ है नहीं। इसके अलावा ये बिग बॉस का कंसेप्ट मुझे लगता है इस साल बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने देखा है कि हम हिंदुस्तानी जो है वो बाहर की परंपरा को अपना तो लेते हैं, लेकिन उसमें अपना मसाला डाल देते हैं। जैसे पहली बार मैंने चाइना में या मलेशिया में या थाईलैंड में जाकर जब चाइनीज खाई थी, तो चाइनीज बिल्कुल भी इंडिया के चाइनीज जैसा नहीं था, क्योंकि इंडिया के चाइनीज में हम अपना मसाला डाल देते हैं। तो हमने बिग बॉस का कंसेप्ट बिग ब्रदर से तो उठा लिया, लेकिन अब इस साल उसमें अपना मसाला डालने लग गए। पहले घर वाले आकर बताने लग गए, फिर लोगों के वीडियोज दिखाए गए, ट्वीट दिखाए गए, उसके बाद लोगों ने आकर सलाह दी, फिर बिग बॉस खेलने के बहाने खुद गाइड करते हैं लोगों को। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस हफ्ते तो हद कर दी। इस हफ्ते कॉन्सेप्ट करवाया गया सारे लोग, अब इसके बाद क्या रहा? मतलब बिग बॉस का एक खेल, जब हम थे घर के अंदर, मैं जब बिग बॉस से बाहर आया और मुझे किसी ने बोला कि सबसे पहली चीज आपने क्या की, मैंने कहा मैंने आसमान देखा। एक घर के अंदर जाना, आसमान तक नहीं दिखता। गार्डन एरिया में प्लास्टिक शीट होती है तो आसमान नहीं दिखता। आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो बाहर की दुनिया में, आपके पास वॉच नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, और ये और एक बात जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, नहीं भाई ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है, हमें कुछ नहीं बोला जाता। इस साल थोड़ा सा बिग बॉस खुद ही बोल रहे हैं, बाकी के लोग बोल रहे हैं, तो अब ये स्क्रिप्टेड है या नहीं ये नहीं पता। हमारे टाइम तक तो हमें कुछ नहीं बोला जाता था, हमें कुछ नहीं पता था। और उसके उसके उस माहौल में जब आप रहते हो, सिर्फ वही 14 चेहरे, 15 चेहरे, 16 चेहरे आप देखते हो, और फिर आप कैसे अपनी जिंदगी में रिएक्ट करते हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बॉस। और इस साल तो आप तो हर तीसरे दिन ऑडियंस बुलाते हो, ऑडियंस तालियां बजाती है, ऑडियंस से बात करते हो, उसके बाद आप कॉन्सर्ट करवाते हो, कॉन्सर्ट में आपके साथ बाकी सिंगर्स भी होते हैं। मतलब हाँ, एमसी स्टैन का कॉन्सर्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग है, मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं उनको सुनता हूँ, लेकिन वो बिग बॉस का खेल नहीं। मतलब बिग बॉस के अंदर ये आप नहीं करवा सकते, क्योंकि बिग बॉस के अंदर जब आप ये करवाओगे तो फिर बाहरी दुनिया से आप कनेक्ट हो जाते हो, देन इट इज नॉट बिग बॉस। तो हमने बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन उसमें जब न्यू ईयर पे भी लोग आए थे बाहर के, यू नो आई मीन टेलीविजन एक्टर्स आए थे या बिग बॉस कंटेस्टेंट्स आए थे, उनके काफी अच्छे दोस्त हैं घर के अंदर जो हक करने के बहाने अपना मैसेज देकर गए हैं, यू नो मैंने देखा। राजीव आदित्य तो राजीव आदित्य यार, नाम लेके बात करते हैं यार, राजीव आदित्य खुद के लिए कभी खेले ही नहीं है, वो हमेशा वो एक तड़का है जो कभी, मतलब कौन सा गेम है जो राजीव आदित्य का विनर देखते हो? नहीं है, वो तो सिर्फ तड़के के रूप में आते हैं, हर बार आकर किसी और के बारे में कुछ कर चले जाते हैं। जब वो, और उन्हें राजीव आदित्य की आदत है, मेरे को लगता है उन लोगों के कान का कचरा पसंद है राजीव आदित्य को, हमेशा लोगों के कान में कुछ बोलते हैं, क्योंकि हमारे सीजन में जब वो आए तो शमिता के कान में बोलने लग गए, शमिता के बाद वो तेजस्वी के कान में, तो उन्होंने वो एक टास्क में प्लास्टिक का एक लकड़ी घुसा दी थी, तेजस्वी हैड टू सी द डॉक्टर आफ्टर दैट। ये दिखाया नहीं गया, बट एक टास्क था जहां पर राजीव आदित्य ने फूल की डंडी प्लास्टिक वाले तेजस्वी के कान में घुसा दी थी, और तो वो उनको लोगों के कान से प्यार है, तो वो हर किसी का कान भरते रहते हैं। तो वो पहले खानापूसी थे, उन्होंने शमिता के साथ की, फिर इधर की उधर की, तो अब वो क्या है ना, वो तड़प रहे हैं खानापूसी करने के लिए, और डूबते को तिनके का सहारा है उस घर में। अगर राजीव ने प्रियंका के कान में इतना भी बोल दिया कि तू बहुत सही खेल रही है, ऐसे ही खेल, 6 बार तू फाइनल में जा रहे हैं, तू बिल्कुल हिम्मत करना, थोड़ा शिव से अच्छा बन के, तो बस हो जाता है, डूबते को तिनके का सहारा, उतना मैसेज बहुत हो जाता है। ये तो बिग बॉस मेकर्स की गलती है राजीव, अगर कल के आप भी अगर घर के अंदर जाते हैं तो आई एम श्योर आप भी अपने फ्रेंड को थोड़ा बूस्ट करके आएंगे, अगर उनको हर हफ्ते यू नो होस्ट की तरफ से बैशिंग मिल रही है। देखिए क्या है ना कि बूस्ट करना, मतलब हर हफ्ते हर साल कंटेस्टेंट बाहर से अंदर आते ही हैं। हमारे टाइम पे भी कामिया आई थी, देवलीना आई थी,
पहले जैसे गेस्ट बहुत लोग आते हैं, बाहर से गेस्ट को भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर साल होता आ रहा है, ये फॉर्मेट के अंदर है। बाहर से जो गेस्ट आते हैं वो या तो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स होते हैं या बहुत नामी लोग होते हैं जो एक फॉर्मेट को समझते हैं, अनलेस एंड अंटिल इट्स योर फैमिली वीक, और जब फैमिली वीक में परिवार के लोग आते हैं तो सबके लिए इक्वल होता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं गेस्ट, उनको बताया जाता है बाकायदा कि आप बाहर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर राजीव, जैसे राजीव आता था कि ट्वीट मैंने पढ़ा है, उसने कहा है कि उन्हें नहीं, मैं प्रियंका को बोल रहा था कि यू लुकिंग वेरी प्रिटी, ये कान में बोलने की क्या जरूरत है भाई, ये तो जोर से बोल सकते हैं। किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना है तो लड़की को अच्छा ही लगेगा आप जोर से बोलो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अवॉइड करना चाहिए, जब हम अंदर जाते हैं एज ए गेस्ट हमें बोला जाता है कि कॉन्टेस्टेंट को कुछ भी ना बताया जाए, तो अब ये चैनल की गलती है या राजीव आदित्य की गलती है, क्योंकि राजीव आदित्य को भी ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ये बोला गया होगा कि आप अंदर जाकर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राजीव आदित्य भी राजीव आदित्य, ही वॉन्ट्स टू बी इन द लाइमलाइट, ही वॉन्ट्स टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीबडी, वो जाकर कान में बोलेंगे और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, उन्हें अच्छा लगता है, बाकी डजंट हैव अ टैलेंट फॉर एनीथिंग, तो ही लाइक्स डूइंग दिस और वो करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, डेफिनेटली अनफेयर टू द अदर कॉन्टेस्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा है तो हर किसी का एक एक फ्रेंड उनके कान में बोलकर जला जाएगा और हर कोई फिर वही ना, इस साल का बिग बॉस मेरे थोड़े से समझ के बाहर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, लोग कुछ अलग कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्शन आसान हो रहा है, इन दैट केस द कॉन्सेप्ट ओनली चेंज, हमने बिग ब्रदर में इंडियन मसाला डालकर बिग बॉस बनाया इस साल। उसके अलावा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, अब्दू जिस तरह से घर के अंदर वापस गया है, अब्दू घर के अंदर जाने से पहले आई हैड मेट अब्दू, अब्दू शूट कर रहे थे अपने एक आर्ट फिल्म के लिए और एक के चीज के लिए, और मैं अब्दू से मिला था, और अब्दू वाज वेरी हर्ट बाय द फैक्ट के किसी भी चीज को साजिद इतना क्यों स्ट्रेच करते हैं, मुझे इतना क्यों बोलते हैं, मैं 19 साल का लड़का हूं, मैं समझदार हूं, आई जस्ट लाइक निमरित, उसमें इतना बुरा क्या है, एंड ही हैड लॉट ऑफ क्वेश्चन, मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि अब्दू प्ले योर गेम, बी ऑनेस्ट, whatever you think you are doing and don't worry about anything, Sajid is no more your guide, as a guide usko bheja gaya tha, but now you are on your own, so apni hisab se apna game khelna, but wahi kar raha hai wo, ab kya hai na ke ab wo Nimrit ko ignore kare to bhi problem hai, wo Nimrit ke saath khele to bhi problem hai, wo Sajid ko bhav de to, तो इट इज ऑल अबाउट अब्दू से मेरा क्या फायदा है, तो हर कोई आकर अब्दू से अपना फायदा उठाना चाहता है उस घर के अंदर, और ये एक सिंपल सी चीज हो गई है कि साजिद को अगर अब्दू अटेंशन ना दे तो साजिद, अरे अब्दू से मुझे फुटेज नहीं मिल रहा, निमृत को अगर ना दे तो निमृत, अब्दू से मुझे फुटेज नहीं मिल रहा, द ओनली पीपल आई फील हु आर क्लोज टू अब्दू नो केयर अबाउट हिम इज शिव एंड एमसी स्टैन, क्योंकि एमसी स्टैन को तो वैसे भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही वो अपना मस्त मौला है, एंड शिव एक्चुअली feels for Abdu. No, Nimrit was not using Abdu. The problem is Nimrit was liking the attention. आर की बातें, बाहर की बातें जनरली नहीं मैं जानता, और निमृत की बातें नहीं जानता. I can only talk for Abdu. Abdu का point, because मैं उससे मिला हूँ वो अंदर जाने के पहले, मुझे ऐसा लगता है कि Abdu जो है ना, because he doesn't understand the language, he doesn't understand people. तो बहुत बार एक ही बात को जब रिपीट करते गए, जैसे साजिद ने उन्हें बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा, तो ही इज गॉट वेरी अफेक्टेड विद द फैक्ट दैट मुझे क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, मुझे क्यों बार बार बोला जा रहा है, तो ही इज नॉट ट्राइंग टू बी रूड टू निमृत, ही इज ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम निमृत. अच्छा, अब वो उसका तरीका है, उसको लगता है कि मैं निमृत से कुछ भी बोलूंगा तो साजिद उसका इश्यू बना देंगे या घर वाले उसका इश्यू बना देंगे, और बार 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 इतनी बार हो चुका है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम निमृत. अगर इफ यू वांटेड टू बी रूड टू निमृत, जब निमृत उनसे बात करती हो बिल्कुल अच्छे से करते हैं, तो वो बेसिकली, मैं अब्दू का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, एंड टेक माय वर्ड फॉर इट, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी रूड टू निमृत, बिकॉज निमृत हैज नेवर गिवन हिम अ रीजन टू बी रूड टू हर. निमृत ने अब्दू के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है कि अब्दू उससे रूड हो जाए. इफ इट्स कमिंग अक्रॉस एज रूड टू निमृत, दैट इज व्हाट निमृत फील्स अबाउट इट. अब्दू का पॉइंट ये है कि आई विल कीप अवे फ्रॉम हर.
मुझे नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं चाहिए कि साजिद मुझे सुनाए, मुझे नहीं चाहिए कि घर वाले मुझ पर हंसे, क्योंकि फिर मैं दब जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। तो उससे अच्छा है कि मैं इस इंसान से दूरी रहूं। अगर लोग हमारी दोस्ती को नहीं समझ रहे, अगर लोगों को लगता है कि इसका भार बॉयफ्रेंड है फिर भी मैं इसके पीछे पड़ा हूं, तो ऐसा नहीं है। पर अगर लोग हमारी दोस्ती को नहीं समझ रहे तो बाहर आने के बाद शायद मैं उससे दोस्त हो जाऊं, पर घर के अंदर मैं इंप्रेशन नहीं दूंगा कि मैं निमृत के पीछे जा रहा हूँ, निमृत के पीछे भाग रहा हूँ, साजिद मुझे बोले, यहाँ से मुझे बोले, वहां से मुझे बोले। अच्छा, ये बात निमृत और अब्दू के बीच में हजार बार हो चुकी है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन जब भी अब्दू जाकर निमृत से बात करेगा लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तो अच्छा है कि एक इंसान जो मुझे अफेक्ट कर रहा है, मेरी दोस्ती उसके साथ है, उसकी दोस्ती मेरे साथ है, घर वाले उस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो इस घर में मैं उससे दूर रहूंगा। बाहर जाने के बाद भले ही मैं उसके साथ दोस्ती, बट फॉर मी, फॉर माई गेम, फॉर माई एग्जिस्टेंस इन दिस हाउस, फॉर माई पीस, फॉर माई मेंटल हेल्थ, इट्स बेटर दैट आई कीप अवे। और अब्दू वही कर रहा है। सो आई डोंट थिंक अब्दू इज रूड टू निमृत, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टेंस सो दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट अब्दू निमृत, अब्दू निमृत, people talk about other things also. As far as Nimrit getting attention only because of Abdu, ये Nimrit के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए। Because Abdu एक ऐसा बंदा है उस घर के अंदर जिसके साथ कोई भी आकर बैठे तो automatically attention आ जाएगी। वो प्रियंका हो, वो अर्चना हो, अर्चना जब अब्दू कैप्टन बना था, अर्चना ने शुरू किया था अब्दू के खिलाफ जाकर अटेंशन लेना। तो अब्दू एक जैम, प्रियंका ने भी काफी बार बोला है कि अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये उल्टे जवाब देता रहता है, पहले हफ्ते के मुद्दे लेकर बैठा हुआ है। कट टू वी आर सीइंग प्रियंका गेटिंग पैली विद अब्दू आफ्टर अंकित हैज गॉन। एग्जैक्टली, और वो तो होता ही रहेगा, बिकॉज वो जब तक नहीं होगा तब तक लोगों को अब्दू से, क्योंकि अब्दू से वो जैसे ही वो अब्दू से लड़ेंगे या अब्दू से रूड हो जाएंगे, अचानक एवरीबडी विल फील कि नहीं यार अब्दू से ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब्दू से ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब्दू इज सच अ प्यारा बंदा। तो ये बात बहुत ही गलत है कि अब्दू इज बीइंग रूड टू निमृत। इनफैक्ट अब्दू इज जस्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम निमृत एंड दैट इज आई थिंक हिज गेम एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग एंड दैट ही इज डूइंग नॉट ओनली टू निमृत, ही इज डूइंग इट विद साजिद ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निमृत के साथ कर रहे हैं, वो साजिद के साथ भी कर रहा है यार। उसका वो गेम है, उसको लगता है अब मैं जब तक रहूं मैं शांति से रहूं, मैं घुल मिल कर रहूं, नाउ आई प्ले फॉर माई सेल्फ एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू प्ले फॉर देमसेल्फ, उसमें गलत क्या है? आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। उसके बाद आते हैं शिव ठाकरे पर। शिव ठाकरे जिस तरह से कैप्टन बने और जिस तरह से अर्चना शॉक हुई और कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा था एमसी स्टैन और अब्दू के फैंस ज्यादा है। बिल्कुल है, एमसी स्टैन और अब्दू के फैन शिव से चार गुना है, लेकिन इस घर में शिव उन दोनों से बेटर खेल रहा है। बिग बॉस की जो फैन फॉलोइंग होती है ना, वो सिर्फ बिग बॉस की फैन फॉलोइंग होती है, बाहर के फैन फॉलोइंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, वरना असीम रियाज यहाँ तक नहीं पहुंचता फिनाले तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। यू अंडरस्टैंड, असीम रियाज के सीजन में देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग। असीम रियाज से बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स रहे हैं जो फिनाले तक पहुंचे हैं विदाउट हैविंग एनी फैन फॉलोइंग आउटसाइड, बिकॉज दे हैड बिग बॉस की फैन फॉलोइंग। तो बिग बॉस की फैन फॉलोइंग जो है वो एक अलग फैन फॉलोइंग होती है, वो असीम हो, विकास गुप्ता हो, कोई भी हो, उनकी फैन फॉलोइंग बिग बॉस से बनती है, प्रतीक हमारे सीजन में। तो वो वैसे ही बिग बॉस से उनकी फैन फॉलोइंग बनती है। तो अर्चना आप जान लीजिए कि आप जो घर में करती हैं उससे आपकी बिग बॉस की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और वही आपको जिताएंगे। तो जैसे वो सबने रिएक्ट किया कि किस तरह से शिव जीत गया, कैप्टन बन गया, बिकॉज पीपल लव हिम और शिव, पीपल सी हिम एज अ विनर। मुझे एक बात और बहुत अच्छा लगा कि जब उन्हें स्पीच देने के लिए बोला गया, सबसे पहले अब्दू गया और अब्दू ने जिस तरह से शुरुआत की कि आई एम दिस बट आई डोंट माइंड इफ दिस एनी ऑफ माई ब्रदर्स बिकम द कैप्टन बिकॉज वी आर फैमिली, अब्दू ने वो शुरुआत की। अब्दू के बाद वही एमसी स्टैन, शिव, जिस तरह से वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, आई फील अब्दू, शिव एंड एमसी स्टैन, ये जो तिगड़ी है, दिस इज द ट्रू बॉन्ड ऑफ बिग बॉस। क्योंकि इन तीनों को ना जीतने से फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती से ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर ये तीनों एक दूसरे को नॉमिनेट भी करेंगे ना तो भी एक दूसरे के गले मिलकर नॉमिनेट करेंगे। साजिद की तरह ये नहीं बोलेंगे कि उखाड़ लो, क्यों उखाड़ना है मेरा, मुझे हर हफ्ते नॉमिनेट करो, जब जब मैं नॉमिनेट होऊंगा असली साजिद बाहर आएगा और मैं गुस्सा हो जाऊंगा साजिद खान की, मैं बोल रहा हूँ ना हर किसी की, तो साजिद खान की भी नॉमिनेशन से, लेकिन वो दिखा रहे हैं कुछ और चाहते हैं।
तो एमसी स्टैन, अब्दू और शिव एक दूसरे को जिसे नॉमिनेट भी करेंगे ना, अगर ऐसा वक्त आया, ऐसा वक्त नहीं आएगा, आया तो भी एक दूसरे के गले मिलकर करेंगे और एक दूसरे को उनको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इस वीक के एलिमिनेशन पर, वो है विकास मनकटला। जब आए थे बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे थे क्योंकि अपना एक गेम प्लान लेकर आए थे, बाहर से गेम देख कर आए थे, पर आई से बिग बॉस के वैसे भी एक वाइल्ड कार्ड को, जैसे श्रीजिता जब आई तब श्रीजिता स्टार्टिंग से थी और फिर वो अंदर आई, तो अगर गौतम आए तो गौतम पहले थे और फिर आए, अंकित अगर आए तो वो उन्होंने गेम देखा है, एक वाइल्ड कार्ड को जो बिल्कुल इस सीजन के नहीं है और फिर बीच में से आते हैं, वैसे ही डिफिकल्टी होती है। पर जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत अच्छे थे, फिर वो बीच में कहीं खो गए, फिर उन्हें पता नहीं चला मैं क्या करूं, फिर एक दूसरे की यहाँ वहां की बुराई करने लगे, बाहर की बातें करने लगे, पर जहां जब तक भी थे एक बैग लेकर घूमते थे। मेरे को तो सिर्फ विकास को इतना पूछना है कि उस बैग के अंदर था क्या। मैंने बिग बॉस के इतिहास में पहली बार देखा है कि कोई आदमी माइक, हम लोगों को तो माइक से नफरत हो गई थी, हम लोग माइक ही नहीं लगाना चाहते थे, और ये एक आदमी था जो माइक के साथ बैग भी लेकर घूमता था। बट ही हैड हिज जर्नी, जब दो हफ्ते के लिए रहे, बट ही हैड हिज जर्नी, क्योंकि अब शायद विकास मनकटला कौन है ये पूरी दुनिया को पता है। इससे पहले शायद आई न्यू हिम बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट लेफ्ट, अ वेरी ओल्ड शो विच राजीव खंडेलवाल, राजीव वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड तभी, तब सो आई हैड मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम, बट ही हैड हिज जर्नी। ये रही ये दो हफ्ते की पुरानी पूरी स्टोरी बिग बॉस की। आने वाले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, अब सारे इक्वेशंस बदलेंगे क्योंकि अब मंडली टूटेगी, अब कोई और मंडली बनने के चांसेस है जो बहुत बड़े, मुझे लगता है और मंडली, कोई और मंडली जल्दी बनेगी। बिल्कुल, अब मंडली हो गई, अब पलटन बनेगी, तो एक पलटन नहीं बनेगी, मंडली टूट जाएगी बहुत आने वाले। नाउ वी आर, जैसे मैंने ये लाइव शुरू किया था जब मैंने कहा था कि अब खिचड़ी पक चुकी है, तड़का लग चुका है, अब परोसने के लिए खिचड़ी तैयार है, तो आने वाले हफ्ते बहुत मजेदार होंगे। टीना और शालीन के बारे में आप क्या कहेंगे, कहां से वो न्यू ईयर की पार्टी में टीना कहती है कि मैं अब हंसूंगी नहीं, और सलमान उनको प्रेज भी करते हैं कि आई विल नॉट फॉल फॉर स्वीट टॉक्स, आई थिंक यही लाइन उन्होंने कही थी। एंड कट टू वीसी की शाह, यू हैव मेड मी फॉल इन लव विथ यू, you shouldn't have done that, so how funny it is. Yeah, for them falling in love and coming out of love, they have made it so easy. Mujhe aisa lagta hai ki ek swimming pool hai pyar, jab bhi chaho doob jao, jab bhi chaho bahar niklo, to wo pyar mein dubki laga kar nikalte hain, unko pyar ko ek swimming pool bana rakha hai dono ne, pehle din se hi fake hai ek dusre ko. Acha best part hai jahan do alag alag zindagiyan barbaad honi thi, ab ek hi zindagi barbaad ho rahi hai. So टीना इस घर में किसी और के साथ होती और शालिन किसी और के साथ होते तो चार लोग बर्बाद होते, यहाँ पर लकीली ये दोनों एक दूसरे के साथ है, तो वो आपस में खेलते रहते हैं, आपस में एक छोटी सी दुनिया बनाई है। हम लाइव पर भी उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि अब फेक लोगों के बारे में क्या बात करें, कौन सा रियल है क्या फेक है, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी बबल बना लिया, जो बबल में रहते हैं, जहां तक ऑडियंस उन्हें खींचेगी, इनफैक्ट जहां तक बिग बॉस उन्हें खींच पाएंगे खींचेंगे। लास्टली बिफोर वाइंडिंग अप, आपके टॉप थ्री तो जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। जिस तरीके से शालीन बहुत हल्के तरीके से लड़कियों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अब तक वो तीन बार बोल चुके हैं कि उनको सौंदर्य के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो अगर उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बता दी तो सौंदर्य कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, और उनको गौतम भी बताकर गए हैं कुछ, और अभी उन्होंने रिसेंटली निमृत पर भी कमेंट किया था कि उन्होंने एक टास्क के दौरान आई थिंक एमसी स्टैंड का बैग लेकर उसने कुछ सिगरेट्स वगैरह डाल के ये दिखाने की कोशिश की थी कि निमृत नशा करने लगी है घर के अंदर, उनको इस तरीके से उन्होंने टास्क को प्रेजेंट करने की कोशिश की थी जिसमें उनको रोका निमृत ने और बोला कि डोंट डू दैट। उन्होंने एक और इंसिडेंट में निमृत और सौंदर्य के कपड़ों के ऊपर, और कि इन लोगों ने दुनिया नहीं देखी है, और बहुत सारी उनकी बारे में चीजें बोली। आपको लगता है हाई टाइम, और स्पेशली वो ये बातें लड़कियों के साथ बैठ कर करते हैं, प्रियंका के साथ करते हैं, वो टीना के साथ करते हैं, वो सृजिता के सामने ये सब बातें बोलते हैं और कोई भी लड़की उन्हें कुछ नहीं बोलती? देखिए, सबसे पहली बात, जो लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते वो किसी की इज्जत नहीं कर सकते। यू आर बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन, सो यू नीड टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमन। आप लड़कियों को इक्वल समझते हो, आप उनके बारे में वो बातें,
बोलते हो जो किसी के किसी भी लड़की के सामने या किसी भी लड़की के पीछे आप वही बात करो जो उसके मुंह पे बोल सकते हो। तो एज अ फ्रेंड आप या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मैं इसके मुंह पे भी ये बात बोल सकता हूँ यार, तो आप बोलो, खुले आम बोलो। पर किसी लड़की को ये बोला कि मैं तेरे बारे में ऐसी बातें जानता हूँ, मैं बोल यार तुमने तो नेशनल टीवी पर फिर इनडायरेक्टली बता ही दिया है, तो फिर खुल के ही बोलो। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो खुल के बोलो उस लड़की के बारे में, इनडायरेक्टली बोलकर तुम उसे नीचा क्यों गिरा रहे हो, या तुम उस लड़की को नीचा गिरा रहे हो या खुद को नीचा गिरा रहे हो। क्योंकि अगर तुम इतनी हिम्मत नहीं रखते उसके बारे में बोलने की, तो गीदड़ भक्तियां और गीदड़ धमकियां मत दो, और किसी भी लड़की के बारे में पीछे से वो बात मत करो जो उसके मुंह पर नहीं बोल सकते। पर ये शालिन का व्यक्तित्व है, उनकी वाइफ ने भी बाहर उनके बारे में बहुत ऐसी चीजें बताई है। अगर घर के अंदर कोई जाकर उन्हें बोले शालिन तेरी वाइफ ने तेरे बारे में इतनी चीजें बताई हैं, अगर मैं वो नेशनल टीवी में बता दूंगा तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, तो फिर उनके चेहरे से रंग उड़ जाएगा। पर ये शालिन का व्यक्तित्व है, ऑडियंस देख रही है जिस तरह से वो फेक करते हैं, जिस तरह से वो एक तरफ टीना को बोलते हैं कि रिस्पेक्ट वुमन, और अगली मौके पर टीना के मुंह तक पहुंच जाते हैं जैसे कि उसे मारने वाले हों। पर ये शालिन है और ऐसा ही है शालिन, दिस इज हाउ ही इज, एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर वी वांट हिम इन द हाउस और वी वांट हिम आउट ऑफ द हाउस। ये तो वही है, तो ये चॉइस हमारी है। बिल्कुल। जाने से पहले आपके टॉप थ्री। मेरे टॉप थ्री में एक आदमी बदल गया इस वक्त, मेरे लास्ट वीक के टॉप थ्री थे प्रियंका, शिव एंड अर्चना, वो दो वीक पहले थे। इस वीक अर्चना इज कम्प्लीटली आउट, अर्चना बहुत टॉप फाइव तक भी नहीं है अब मेरे। मेरे टॉप थ्री में देर इज शिव ऑफकोर्स, देर इज प्रियंका ऑफकोर्स, आई सी दीज टू इन द फाइनल, सलमान खान शायद इन्हीं दोनों लोगों का हाथ पकड़े ऐसा मुझे लगता है। टॉप थ्री में इस वीक है एमसी स्टैन, क्योंकि जिस तरह से एमसी स्टैन फील कर रहे हैं, जिस तरह से एमसी स्टैन घोड़े की तरह आगे दौड़ रहे हैं, शायद एमसी स्टैन विल बी द सरप्राइज पैकेट इन द टॉप थ्री। वेरी क्लोजली निमृत इज कमिंग, जिस तरह से निमृत इज स्टैंडिंग फॉर हरसेल्फ, जिस तरह से निमृत इज गोइंग अगेंस्ट द मंडली, तो टॉप अगर फोर कहा जाए तो निमृत है, पर टॉप थ्री में इस वक्त है शिव, प्रियंका एंड एमसी स्टैन। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन की क्योंकि 15 दिन का हमने सम अप करना था, लेकिन थैंक यू सो मच विशाल फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस हियर। एवरी मंडे 6 PM आप आ जाते हैं, आप अपना कमिटमेंट याद रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा एक बार और, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑल। हम अगले मंडे फिर आएंगे, अगले मंडे का लाइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां से बहुत तेजी से गेम आगे बढ़ेगा। हम एकदम अनफिल्टर्ड रिव्यू देते हैं, मेरे फेवरेट शिव और अब्दू हैं क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं ऑन अ पर्सनल फ्रंट, पर अगर वो भी कुछ गलत करेंगे मैं उनके बारे में बोलूंगा। आई एम कंप्लीटली अनबायस्ड, आई लव बिग बॉस, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, आई बीन अ कॉन्टेस्टेंट इन बिग बॉस, तो मुझे बिग बॉस से प्यार है। मैं जो भी कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बोल बाम बोल बाम, एंड थैंक यू सो मच। अगले मंडे 6 बजे फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर विजया, हैप्पी न्यू ईयर।